पर अवैध रूप से डिलीवरी की जा रही है, जिस पर एसडीएम राजेश कुमार जायसवाल, अधीक्षक डॉक्टर ए के सिंह एवं वरिष्ठ उप निरीक्षक फतेहाबाद राकेश कुमार सागर की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई की। डिलीवरी कराई जा रही है और लोगों की इलाज कराया जा रहे हैं बिना डॉक्टर के। इसकी सूचना पर डॉक्टर साहब के साथ पुलिस के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं मिले और यहाँ पर कई मरीज भर्ती पाए गए जिनकी डिलीवरी भी कराई गई। प्रथम दृष्टया यह वैधानिक रूप से संचालित हुआ पाया गया है, इसके कारण इसको सील कराया जा रहा है और यहाँ के मरीजों को GST में शिफ्ट करा दिया गया है, वहाँ उनका नियमित रूप से उपचार करा के। यहाँ पे जो भी स्टाफ मिला क्या कुछ एजुकेटेड थे या वैसे ही सब? यहाँ पर कोई स्टाफ इधर नहीं मिला, यहाँ न कोई डॉक्टर मिले और न कोई स्टाफ थे। अच्छा, किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है? नहीं, अभी मैंने अभी तो कोई डॉक्टर मिले ही नहीं, डॉक्टर साहब का कोई था नहीं, उनका स्टाफ था, वो लोग को अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। इस दौरान अस्पताल पर कोई भी प्रशिक्षित चिकित्सक नहीं मिला। अस्पताल में उस समय डिलीवरी होती पाई गई और हड्डी रोग के भी मरीज पाए गए। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी मरीजों को फतेहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट करा दिया। SDM फतेहाबाद राजेश कुमार जायसवाल के मुताबिक अवैध रूप से अस्पताल संचालित था, जिसकी लगातार सूचनाएं मिल रही थी। शनिवार को इस पर छापेमार कार्रवाई की गई, यहाँ पर कोई भी प्रशिक्षित चिकित्सक नहीं मिला। मौके पर मौजूद स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। फिरोजाबाद से भाजपा के सांसद रहे प्रभुदयाल कठेरिया का जन्मदिन उनके आवास पर धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपाइयों के साथ उनके समर्थकों ने केक काटने के साथ प्रभुदयाल कठेरिया को उनके जन्मदिन की बधाई दी। तो वहीं प्रभुदयाल कठेरिया ने जनता के सुख दुख में साथ देने की बात करते हुए अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। आज के दिन सिर्फ मुझे जो कहना है, हे परमात्मा परमेश्वर पार ब्रह्म महादेव और माता शक्ति में सारा संसार समाया, तीनों लोक आप में समाये हुए हैं। ये बुरा कालखंड जो आया है, किसी तरीके से प्रभु संसार में तुम्हारे इतने अनुयायी हैं, इतने भक्त हैं, उनकी रक्षा करें। और आज के दिन जिन कार्यकर्ताओं ने मेरे ऊपर प्यार उमेड़ा है, ये प्यार सदा भविष्य में भी इसी प्रकार जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके चरणों का आशीर्वाद, हमारे सफर हैं, हम सफर हैं जो हमारे साथी हैं, उनको अपने दिल से मैं शुभकामना देता हूं कि आगे तरक्की दिन पर दिन तरक्की करें। और जो दोनों लोकसभा यानी आगरा और फिरोजाबाद दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने काम किया है, तमाम कार्यकर्ताओं की दिल की धड़कन हूँ मैं, जनता मेरी जानती है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में 3 बार मुझे चुन के भेजा, उस वक्त भेजा जब आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि क्या पोजीशन थी। मेरे मित्रों, ऐसी तमाम अपनी प्यारी जनता को, बुजुर्गों को चरण नमन करता हूँ, सब साथियों को जितना प्यार मुझे अभी दिया है, पहले भी दिया, पूर्व में दिया और भविष्य में भी ये प्यार आपका मुझे प्राप्त होता रहे, मैं इसी प्यार की खातिर निश्चित रूप से जीवित रहूँगा। और वक्त अगर आया, जो कहा वो किया और कह देंगे वो करके दिखाएंगे, अफवाह नहीं, जो करके दिखाया है वो आपको पता है। ये रेलवे लाइन जो गई है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ये प्रभुदयाल कठेरिया की देन है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सारी स्मॉलेस्ट स्केल इंडस्ट्री थी जो छोटी, सब बर्बाद हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश किया था तो उसको अटल जी के पैरों में बैठ के कहा मैंने कि अटल जी, यू आर प्राइम मिनिस्टर और बटेश्वर में आप नगरी खेले हैं, आप मेरे ऊपर, मेरी जनता के ऊपर इतना अपना प्यार उमेर दें कि जो बर्बाद हो रही है इंडस्ट्री ताजमहल की वजह से, ये बर्बाद ना हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गुजरात से पाइपलाइन लगा के हमने गैस की व्यवस्था फिरोजाबाद को, आगरा को, चंबल डाल परियोजना की व्यवस्था हमने की और जो मैंने कहा वो किया, करेंगे कहेंगे वो करके दिखाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया। फिरोजाबाद के SSP अशोक कुमार द्वारा ट्रैफिक पुलिस को जनसहयोगी पुलिस के रूप में कार्य करने हेतु उनके कर्तव्यों से अवगत कराते हुए जनता से मधुर व्यवहार करने और उनकी हर संभव मदद किए जाने के संबंध में जागरूक किया गया। SSP अशोक कुमार ने बताया कि जनपद में ट्रैफिक की समस्या के निस्तारण के लिए सभी चौराहों से अतिक्रमण हटाने, ऑटो के मार्ग कलर तय किए जाने की व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे आम नागरिक को ये जानकारी हो सके कि किस मार्ग पर किस कलर का ऑटो जाता है। शनिवार को ट्रैफिक पुलिस को फिरोजाबाद के SSP द्वारा पाठ पढ़ाया गया, जिसमें फिरोजाबाद के SSP अशोक कुमार द्वारा ट्रैफिक पुलिस को जनसहयोगी पुलिस के रूप में कार्य करने हेतु उनके कर्तव्यों से अवगत कराते हुए जनता से मधुर व्यवहार करने
और उनकी हर संभव मदद किए जाने के संबंध में जागरूक किया गया। साथ ही एसएसपी ने बताया कि जनपद में ट्रैफिक की समस्या के निस्तारण हेतु सभी चौराहों से अतिक्रमण हटाने, ऑटो के मार्ग कलर तय किए जाने की व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे आम नागरिक को ये जानकारी हो सके कि किस मार्ग पर किस कलर का ऑटो जाता है। इस व्यवस्था से ऑटो एक दूसरे के मार्ग पर नहीं जा सकेंगे, जिससे यातायात की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। ट्रैफिक पुलिस को एक जन सहयोगी पुलिस के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास है। ट्रैफिक की सिपाही पुलिस नहीं है कि आप रुको आप जाओ, वो हर काम के लिए है। अगर एक गिलास पानी किसी को चाहिए तो पानी भी यहाँ मिल जाएगा उसको। कोई उसको दिक्कत है, रास्ता पूछना है तो भी बताएगा। कोई पुलिस की परेशानी है तो ट्रैफिक वाला हमारा बगल में चौकी है, वो थाने को बुला सकता है, सीओ साहब को इन्फॉर्म कर सकता है, मुझे बुला सकता है, तो उसके लिए भी वो होगा। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव जॉब उसका होगा। और सबसे बड़ा मेरा थ्रस्ट जो है उस बात पे है कि उसका सदव्यवहार हो, यहाँ से गुजरने वाला जो भी आदमी हो यहाँ का लोकल, वो जानता रहे कि वहाँ एक ट्रैफिक का सिपाही खड़ा होगा। कोई महिला, कोई बच्चा, कोई लड़की, कोई अध्यापिका कहीं जा रही हो, कर्मचारी जा रही हो, उसे ये भरोसा हो कि कैसे भी अगर मैं बच के वहाँ पहुँच गई तो वहाँ एक बंदा मिलेगा, वो मेरी सपोर्ट कर देगा। तो हर तरह के सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे हमारे अपने सिपाही को ट्रेंड कर रहे हैं कि वो एक जन सहयोगी के रूप में उसे विकसित कर रहे हैं। ट्रैफिक का तो रहेगा ही, तो बहुत सारी चीज़ें अभी करनी है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा की दृष्टि से सभी ऑटो ड्राइवर को यूनिफॉर्म व नेम प्लेट और मोबाइल नंबर के पहनने की अनिवार्यता लागू करते हुए ऑटो में सवारियों की निर्धारित संख्या और दाहिनी तरफ से जाली लगाई जाए और ड्राइवर के अगल बगल लगी सीटें हटाई जाएंगी। साथ ही ऑटो का नंबर ऑटो के अंदर भी अंकित कराया जाएगा, ताकि बैठने वाली सवारी को आराम से ये पता चल सके कि हम किस नंबर के ऑटो में बैठे हैं, जिससे किसी भी समस्या की स्थिति में आम नागरिक और हमारी बहन बेटियों को ऑटो का नंबर, ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर नोट किया जा सके। इस व्यवस्था के लागू होने से आम जनता में सुरक्षा की भावना विकसित होगी और सफर करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ग्रुप ऑफ कॉलेज एडमिशंस ओपन, अप्रॉक्स 95% प्लेसमेंट, बस फैसिलिटी फ्री, फैकल्टी फ्रॉम IIM, BHU, AMU, IIT, JNU एंड TU, कोर्स ऑफर्ड बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, एमबीए, पॉलिटेक्निक, अप्रूव्ड बाय AICTE, NCTE, PCI, एफिलिएटेड टू AKTU, BTE, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, MBA उन्नति मैनेजमेंट कॉलेज मथुरा, पॉलिटेक्निक उन्नति मैनेजमेंट कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी फरे मथुरा, BEd आगरा एजुकेशन कॉलेज फरे मथुरा, बी फार्मा उन्नति फार्मेसी कॉलेज फरे मथुरा, सिटी ऑफिस F22 अखिलेश टावर हरिपर्वत आगरा, मोबाइल नंबर 9973349310, 0562-2527-017। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफसिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफसिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामायिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639000।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर। देवरी रोड से राजपुर चुंगी की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। आपको बता दें, इस रास्ते के जरिए यहां से तकरीबन 50 गांव के लोग आगरा के लिए जाते हैं। सड़क पर भीषण जलभराव है, इसकी वजह से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। आगरा के देवरी रोड से राजपुर चुंगी की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। आपको बता दें, इस रास्ते के जरिए यहां से तकरीबन 50 गांव के लोग आगरा के लिए जाते हैं। सड़क पर भीषण जलभराव है, इसकी वजह से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन बाइक सवार इस कीचड़ में गिर जाते हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई इंतजाम नहीं हो सका है। क्या है, क्या कुछ? ये ताजमहल नहर है, इसका रोहता नहर से ताजमहल के लिए पानी जाता था, और अब इसमें जी अम्बेडकर जयंती बनी तो खर्रा पर से आगे वो आनंद नगर में इसमें पैप डालकर उसका उल्टा पानी इधर को कर दिया। अच्छा, अब इसकी वजह से जलभराव क्या कारण है? इसके जलभराव का कारण यही है कि उधर से ये पानी माइनर को नहीं जा रहा है, उसको ताजमहल को नहीं जा रहा है, तो उधर से उल्टा पानी इधर को आ रहा है। इन बस्तियों का, खर्रा का, छोटे खर्रा का, बड़े खर्रा का, सैनिक नगर का, ये सब पानी इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इसकी वजह से जलभराव हो रहा है। जलभराव हो रहा है, क्या समस्याएं आ रही हैं जलभराव? भाई जलभराव से सब आने जाने सब पूरी सड़क टूट गई है, जो चलने की पटरी थी, पक्की पटरी थी, वो सब टूट चुकी है पानी के जलभराव से। समस्या देखिए, मैं यहाँ 2014 से यहाँ रह रहा हूँ, और ये यहाँ लमसम 100-150 कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, उनका मुख्य मार्ग है राजपुर चुंगी मेन बाज़ार को जोड़ने वाला। तो इस रास्ते को मैं 2014 से देख रहा हूँ, तब से आज तक कभी इसका नवनिर्माण नहीं किया गया है, जिसके संबंध में हम पिछले बहुत सालों से आदरणीय सांसद राजकुमार चाह जी एवं हमारी क्षेत्रीय विधायिका श्रीमती हेमलता देवाकर जी से लगातार संपर्क में हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों द्वारा कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई है। अब यहाँ से जल तो हम जब से आए हैं तब से इस जल को तो हम देखते हैं, यहाँ तो जल भरा ही रहता है। आप क्या लेकर के आ रहे हैं? दूध। यहाँ रोज जाती हैं? हाँ, रोज जाते हैं। कोई परेशानी आती है? हाँ, परेशानी आती है, कभी कभी गिरते से बची गई। परसों में यहाँ इधर आई थी तो गिरने से बची गई, तो एक लड़का ने मुझे मोटरसाइकिल लेके पार कर, तो उसकी गड्ढा में गाड़ी चली गई। छोटे बच्चे भी जाते हैं? हाँ, छोटे बच्चे भी जाते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि इस रोड के किनारे ताज माइनर निकलता है, जिसका पानी पहले रोहता की नहर से आगरा के ताजमहल जाता था, लेकिन अब आगरा का गंदा पानी रोहता की नहर की ओर जाता है, और ये माइनर से ओवरफ्लो कर जाता है, जिसकी वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। यहाँ स्थानीय लोग नारकीय जीवन जीने को बेहाल हैं। मेरी मौजूदगी है आगरा ग्रामीण विधानसभा के गांव उखर्रा में, जहाँ हम आपको पीछे दिखाते हैं किस तरीके से जलभराव की स्थिति है। यहाँ आए दिन लोग इस पानी दलदल का शिकार होते हैं, बार बार गिर जाते हैं, कई लोगों को चोटें भी आई हैं, बच्चे, रोज स्कूल जाने वाले बच्चों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे पीछे देखिए किस तरीके से महिलाएं इस कीचड़ से निकलने को बेबस हैं। पिछले 2012 के बाद इस रोड का निर्माण नहीं हुआ, आए दिन यहाँ जलभराव होता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा इस पूरे जलभराव को लेकर। उनका साफ तौर पर आरोप है कि नेता बस चुनाव के दौरान आते हैं, उसके बाद फिर यहाँ व्यवस्थाओं को देखने के लिए, और इन लोगों को नरकीय जीवन जीने को छोड़ जाते हैं, और इस तरीके की समस्या इनके लिए बनी रहती है। फिरोजाबाद में देर रात प्रधानी चुनाव की रंजिश में दो पक्षों में जमकर पथराव, फायरिंग और लाठी डंडे चले। इस घटना में करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। फिरोजाबाद में देर रात प्रधानी चुनाव की रंजिश में दो पक्षों में जमकर पथराव, फायरिंग और लाठी डंडे चले। इस घटना में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। घटना फिरोजाबाद के थाना टूंडा क्षेत्र के गांव गड़ी जफर के देर शाम की है, जहां प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर दो पक्ष मामूली बात में भिड़ गए और दोनों पक्षों में जमकर पथराव, लाठी डंडे चले और फायरिंग भी की गई। क्या नाम है आपका? मेरा राजन सिंह। राजन जी, ये घायल व्यक्ति हैं, आप लोग भी घायल हैं, क्या मामला है पूरा? ये नहीं बता दें तुम जो यार, इधर देख के बात करो ना, क्या मामला है पूरा? ये इलेक्शन का टाइम था साहब, ये हमारा चाचा लगते थे, उनका लड़का ठाड़ा था। क्या नाम था? उसका नाम था बलराम और उनके पिताजी का नाम था विजेंद्र सिंह। तो हम गरीब आदमी हैं, हम पर जबरी से वोट मांगते थे,
कभी वो दिखाते थे तमंचा, कभी लाठी की धमकी देते थे। और साहब हमने तो वोट दिए, गांव को नहीं दिए तो वो हार गए। हम पे आप गांव की गुस्सा हम पे उतारते हैं। आज किस बार लोग को उंगले में झगड़ा हुआ है? दो दिन पहले छड़ के आए हैं हमारे घर पे और आज फिर छड़ के आए हैं तो मोहम्मदिया हो गया, सो ईट मार और गोली मार लाठी मार भैया। तो किस चुनाव की रंजिश थी ये? फिरानी, फिरानी की। तो इसमें कौन कौन लोग घायल हुए हैं? अबे यहाँ 3 लोग हैं और भी हैं गाड़ी में, क्या लोग घायल हैं मामा? अबे मामा जी 8-7 आदमी, उदय के नाम बता। इस घटना में दोनों पक्षों से करीब 1 दर्जन लोग गंभीर घायल हो गए। घटना से गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। वहीं पुलिस ने इस मामले में करीब 0.5 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस ने सभी घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए टूंडला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया, जहां 3 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें फिरोजाबाद ट्रॉमा सेंटर भेज दिया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। फिरोजाबाद जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भाजपा के पाले में आई। यहां भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री जयवीर सिंह की पुत्रवधू हर्षिता सिंह विजयी हुई, जिसमें किंग मेकर की भूमिका में सपा से निष्कासित कद्दावर विधायक सिरसागंज हरिओम यादव सामने दिखाई दिए। वहीं अब ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी जनपद में सपा का प्रदर्शन शून्य रहा। फिरोजाबाद के 9 ब्लॉक प्रमुख में एक भी सपा का नहीं बना। पहले तो सपा ज्यादातर ब्लॉक में प्रत्याशी ही ढूंढ नहीं पाई। जनपद फिरोजाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भाजपा के पाले में आई। यहां भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री जयवीर सिंह की पुत्रवधू हर्षिता सिंह विजयी हुई, जिसमें किंग मेकर की भूमिका में सपा से निष्कासित कद्दावर विधायक सिरसागंज हरिओम यादव सामने दिखाई दिए। वहीं अब ब्लॉक प्रमुख चुनावों में भी जनपद में सपा का प्रदर्शन शून्य रहा। फिरोजाबाद के 9 ब्लॉक प्रमुख में एक भी सपा का नहीं बना। पहले तो सपा ज्यादातर ब्लॉक में प्रत्याशी ही नहीं ढूंढ पाई। 6 ब्लॉक में चुनाव हो रहा है और सभी जगह शांतिपूर्ण चल रहा है। मैं और SSP साहब अभी राउंड पे हैं। कई ब्लॉक का हम लोग भ्रमण कर चुके हैं। हम शिवाद ब्लॉक में हैं और कई छोटी मोटी इश्यूज थे वो हम लोगों ने बता दिए थे। कहीं के अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से भी वोट डल सकते हैं। जो वोटर है उसकी आइडेंटिटी हम लोगों को एस्टेब्लिश करके उससे वोट डल सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें थी। तो सब जगह शांतिपूर्वक चल रहा है। ज़्यादातर ब्लॉक्स में लगभग पूरा हो गया। कौन जीता है, कितने वोटों से? रिया को 51 वोट मिले हैं, 35 रूबी यादव को मिले हैं, 3 इनवैलिड हुए। कौन विजयी घोषित हुआ? रिया। किस पार्टी से? क्या पार्टी का जानकारी है? फिरोजाबाद शिकोहाबाद में सपा ने प्रत्याशी उतारे, लेकिन दोनों ही प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशियों से हार गए। जनपद के 9 ब्लॉक में 7 पर भाजपा के ब्लॉक प्रमुख बने, इसमें 3 निर्विरोध चुने गए। वहीं 2 ब्लॉक में निर्दलियों ने बाजी मारी। वहीं सपा शून्य पर सिमट गई, जिसमें फिरोजाबाद से लक्ष्मी नारायण यादव बीजेपी विजयी, शिकोहाबाद से प्रिया यादव बीजेपी विजयी रही, जसराना से संध्या लोधी विधायक की पत्नी बीजेपी विजयी व अराव से कमलेश राजपूत बीजेपी विजयी रहीं। इसके अलावा मदनपुर से पुष्पा देवी निर्दलीय बीजेपी समर्थित विजयी व हाथवन से सुरेश कुमार यादव निर्दलीय विजयी घोषित किया गया, जिसमें 3 ब्लॉक में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, जिसमें एका ब्लॉक ज्योति किरण राजपूत विजयी, टूंडला ब्लॉक सत्येंद्र कुमार बीजेपी और नारकी ब्लॉक रविता चक बीजेपी विजयी हुए। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के द्वारा सिरसागंज के पूर्व विधायक हरिओम यादव के खिलाफ पुतला दहन किया गया। शनिवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुस्लिम विरोधी सिरसागंज के पूर्व विधायक हरिओम यादव के खिलाफ नगलाबरी चौराहे पर पुतला दहन किया गया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शेख जुबेर खान के नेतृत्व में सपाइयों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर हरिओम यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के द्वारा सिरसागंज के पूर्व विधायक हरिओम यादव के खिलाफ पुतला दहन किया गया। शनिवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुस्लिम विरोधी सिरसागंज के पूर्व विधायक हरिओम यादव के खिलाफ नगलाबरी चौराहे पर पुतला दहन किया गया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शेख जुबेर खान के नेतृत्व में सपाइयों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर नगलाबरी चौराहे पर पुतला दहन किया।
पुतला दहन के मौके पर शेख जुबेर खान ने बताया कि हरिओम यादव जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक थे, उन्होंने हमेशा मुसलमानों की मुखालफत की है। कई दिग्गज नेताओं को हराने में और भाजपा से हाथ मिलाने में उनका हमेशा सहयोग रहता है। इस दोगली नीति के कारण आज हम लोगों ने हरिओम यादव का पुतला दहन किया है। देखिए मेरे भाई, मैं जुबैर खान समाजवादी पार्टी का पूर्व माना करते हैं। आज हमने चित्रगंज विधायक हरिओम यादव का पुतला दहन किया नगलाबरी चौराहे पर। उसमें हमारा उद्देश्य ये है कि हरिओम यादव समाजवादी पार्टी से लगातार 3 बार विधायक रहे, उनका बेटा भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, और जहाँ से वो जीत के आते थे वहाँ मुस्लिम अच्छा वोट है, 40-45 हज़ार सुखाबाद में भी है, सरसागंज में भी अच्छा मुस्लिम वोट है। और उन्होंने पिछले दिनों आपने देखा जिला पंचायत का चुनाव जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को हरा दिया गया, उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निकल के आई है वो हरिओम यादव की निकल के आई है। बीजेपी से साठगांठ करके उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराया, जिससे मुसलमानों में बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है कि जिस आदमी को हम अपना वोट देते रहे उस आदमी ने भारतीय जनता पार्टी से मिलकर जो मुसलमानों की दुश्मन है, मुसलमानों का अत्याचार और उत्पीड़न भी करती है, उसका साथ दिया है। तो आज मुसलमानों ने इकट्ठे हो गए, हरिओम यादव को चेताया। हरिओम यादव हमेशा से मुस्लिम विरोधी रही है। उन्होंने कई जीते हुए प्रत्याशियों को हराने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, जो समाजवाद की नीति में बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ऐसे नेताओं को सबक सिखाएगी। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुसलमान अपनी एड़ी चोटी का दम लगाकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। इसी संबंध में शनिवार को पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के मौके पर महानगर अध्यक्ष राजू जरा अहमद, नगर अध्यक्ष मक्खरपुर नियाज अब्बासी, सैफू हसन, शाकिर मंसूरी, सिराज अली व तमाम कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैंक से पैसे लेकर लौट रहे व्यक्ति से दो बाइक सवारों ने लूट कर घटना को अंजाम दिया। पीड़ित के पुत्र चंद्रकांत ने बताया कि उसके पिता नवल सिंह निवासी महरोली गोवर्धन बैंक से 40,000 नकदी लेकर लौट रहे थे, तभी परसों जानू रोड पर गैस गोदाम के पास पीछे से दो बाइक सवार 4 बदमाशों ने पीछे से टक्कर मार उनके पिता को गिरा दिया और वहीं छीना झपटी में बदमाश उनसे 25,000 नकदी छीन कर ले गए। बैंक से पैसे लेकर लौट रहे व्यक्ति से दो बाइक सवारों ने लूट की। मामला गोवर्धन थाने के गांव पलसो स्थित गैस गोदाम का है, जहां पीड़ित के पुत्र चंद्रकांत ने बताया कि उसके पिता नवल सिंह निवासी महरौली गोवर्धन बैंक से 40,000 नकदी लेकर लौट रहे थे, तभी पलसो जानू रोड पर गैस गोदाम के पास पीछे से दो बाइक सवारों पर सवार 4 बदमाशों ने पीछे से टक्कर मारकर उसके पिता को गिरा दिया। वहीं छीना झपटी में बदमाश उनसे 25,000 नकदी छीन कर ले गए। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजू। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या वारदात हुई है? हमारे पिताजी गोवर्धन से पैसे निकाल के ला रहे थे। अच्छा, उनसे लूटपाट की गई इस जगह पे। हाँ हाँ। और उन पे तमंचा धर दिया गया। हाँ हाँ। और उनसे बोला गया कि इसमें गोली मार दो। अच्छा, तो लोग पहचाने मतलब कहाँ के थे? एक आध पहचान लिया है उनमें से। अच्छा, और अज्ञात। अच्छा, तो यहाँ पर क्या वारदात हुई आपकी? ये पिताजी पैसे निकाल के आ रहे थे। कहाँ से? गोवर्धन ATM से। अच्छा, और इनको यहाँ पे दो बाइक वालों ने गिरा के लूट लिया है। अच्छा, 4 लोग थे वो। अच्छा, उन्होंने हाँ कट्टा दिखा के मारने की भी कोशिश की थी। अच्छा, तो आपके पिताजी थे? या। क्या नाम है आपके पिताजी का? नवल सिंह। नवल सिंह, कितनी देर की मतलब घटना है ये? अब टाइम का है, 7:30 की घटना है ये। अच्छा सर, यहाँ पे क्या घटना हुई है? यहाँ पे घटना ये हुई है, नवल सिंह आरो महरौली। अच्छा, ये गोवर्धन से पैसे निकाल के लाए थे 40,000 रुपए। हाँ हाँ। तो इनके साथ 4 बंदों ने लूटपाट की है, जिसमें से 15,000 रुपए बच गए, 25,000 रुपए की लूटपाट। तो कितनी देर पहले की घटना है ये? घटना है लगभग 7:30-8 के लगभग है। हमारे पास 7:50 कुछ ऐसे पे सूचना आई है नंबर पे। अच्छा, तो अभी कोई 12 मिनट में हम लोग यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, तो अभी कोई सूचना मिली, कौन थे वो लोग, क्या मतलब? ऐसा कुछ नहीं, अज्ञात है अभी। अच्छा, अज्ञात में, तो जांच चल रही है अभी? तो एसओ साहब आए हुए हैं आप? ठीक है। वही घटना की जानकारी पर
ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और घटना की सूचना पुलिस को दी। काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। गांव के पास इस तरह की लूट की घटना से हर कोई सकते में है। जब यो ही लूटपाट की घटना हर रोज होगी तो आम आदमी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। मथुरा के जिला अस्पताल पहुंचे ऊर्जा मंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर के लिए किए जा रहे इंतजामों का निरीक्षण किया, साथ ही भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लोगों से अपील की कि आने वाली कोरोना की तीसरी लहर से हम सबको डटकर मुकाबला करना है, जिसके लिए आप सभी का सहयोग जरूरी है। एहतियात के तौर पर सावधानी बरतें, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसके लिए नियमों का पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखें। मथुरा के जिला अस्पताल पहुंचे ऊर्जा मंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर के लिए किए जा रहे इंतजामों का निरीक्षण किया और इसके साथ ही मरीजों का हालचाल जाना। गौरतलब है कि शुक्रवार को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा दो हफ्ते के बाद जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। बीते एक सप्ताह पूर्व मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने भी जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर की अत्यधिक आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी कोरोना की लहर ने जनमानस को झकझोर कर रख दिया। अब इसी के मद्देनजर तीसरी लहर की आने की वैज्ञानिकों द्वारा आशंका जताई जा रही है। इस कोरोना की लहर से निपटने के लिए सरकार ने जगह जगह पर्याप्त इंतजाम किए हैं। इसी के चलते शुक्रवार को मथुरा के जिला अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे इंतजामों का ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बारीकी से निरीक्षण किया। यही नहीं, उन्होंने भर्ती मरीजों का भी हालचाल जाना। कोविड को लेकर जो पहली कोविड की लहर थी उसको हम लोग जनता के सहयोग से उस कोविड की पहली लहर को परास्त करने में हम लोग सफल रहे। दूसरी लहर बहुत खतरनाक लहर थी और बड़ी संख्या में हमने अपने लोगों को खोया है और तीसरी लहर की भी विशेषज्ञ आशंका व्यक्त कर रहे हैं। आने वाले समय में तीसरी लहर को हम पूरी तरह से पिछले कोविड को परास्त करें, उसके लिए एक तरफ हमारा आचार व्यवहार, दूसरी तरफ मेडिकल फैसिलिटी पर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। तो मेडिकल फैसिलिटी पर हम लोग बहुत विस्तार से काम कर रहे हैं। मथुरा ऑक्सीजन की आपूर्ति के लेकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। अभी आपने देखा यहाँ जिला चिकित्सालय में 667 लीटर प्रति मिनट का ये प्लांट है और यहाँ जिला चिकित्सालय में भी और अधिक बेहतर सुविधा मरीजों को उपलब्ध कराई जा सके, उसके लिए सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता, सीएमएस मुगल बंसल और चिकित्सकों सहित आला अधिकारियों से विचार विमर्श किया और जिला अस्पताल में बनाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करते हुए जल्दी शुरू करने का आदेश दिया। इसके साथ ही लोगों से अपील की कि आने वाले कोरोना की तीसरी लहर से हम सबको डटकर मुकाबला करना है, जिसके लिए आप सभी का सहयोग जरूरी है। एहतियात के तौर पर सावधानी बरतें, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसके लिए नियमों का पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखें। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि मेरा मानना है कि आने वाली तीसरी लहर से हम सभी डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के मतदान के दौरान पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। सपाइयों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा मनमानी की जा रही है और उनके वोटरों को वोट नहीं डालने दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के मतदान के दौरान पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। सपाइयों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा मनमानी की जा रही है और उनके वोटरों को वोट नहीं डालने दिए जा रहे हैं। मामला फिरोजाबाद के खंड विकास कार्यालय का है, जहां पर ब्लॉक प्रमुख पद के लिए मतदान प्रक्रिया चल रही थी। आरोप है कि सपा के सदस्य वोट डालने के लिए अंदर गए हुए थे, तभी प्रशासन ने कहते हुए उन्हें वापस कर दिया कि उनका वोट डाल चुका है। इसकी जानकारी मिलते ही सपा एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित ब्लॉक पर पहुंच गए, जहां सपाइयों और पुलिस प्रशासन के बीच जमकर झड़प हुई।
भाजपा के कार्यकर्ता कुंडली पर हैं? बिल्कुल पूरी तरह से, जिस तरह से अकेले भाजपा की बात नहीं है, ये पूरा शासन प्रशासन साथ दे रहा है। इसको समाजवादी पार्टी किसी की मदद बर्दाश्त नहीं करेगी। ये गलत अन्याय कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों को हनन कर रहे हैं। जो व्यक्ति प्रजातंत्र में वोट डालने नहीं दे रहे, जिस तरह अंग्रेजों के पीरियड में कुचला जाता था लोगों को, उस तरह से विचार कुचले जा रहे हैं। एमएलसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन और चुनाव कराने वाले सभी अधिकारी मिले हुए हैं, जानबूझकर सपा के क्षेत्र पंचायत सदस्यों को वोट नहीं डालने दिए जा रहे। मौके पर काफी संख्या में सपा समर्थक एकजुट हो गए, उसके बाद धरना शुरू कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शहर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए मून न्यूज, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। उन्नति ग्रुप ऑफ कॉलेज एडमिशंस ओपन, अप्रॉक्स 95% प्लेसमेंट, बस फैसिलिटी फ्री, फैकल्टी फ्रॉम IIM, BHU, AMU, IIT, JNU, NTU, course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic, approved by AICTE, NCTE, PCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra, MBA, Unnati Management College, Mathura, Polytechnic, Unnati Management College and Technology, Farah Mathura, B.Ed, Agra Education College, Farah Mathura, B Pharma, Unnati Pharmacy College, Farah Mathura, City Office, F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra, Mobile Number, 9973349310, 0562-2527-017। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफसिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफसिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामायिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639000। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। भाजपा ने सपा को किया परास्त, ब्लॉक बरौली यहीं पर हो रहे मतदान में भाजपा के उत्तम सिंह ने लहराया परचम, आगरा में 14 ब्लॉकों पर पहले से ही चुने जा चुके निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख। जनपद आगरा के थाना खंदौली पुलिस टीम ने कैंटर में भरी अवैध शराब सहित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 228 पेटी अवैध शराब सहित अन्य सामान बरामद। ताजनगरी में ट्रांसफर से नाराज चल रहे कर्मचारी, ट्रांसफर नीति निरस्त नहीं करने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी, दो घंटे का कार्य किया बहिष्कार। राजनगरी में धूमधाम से मना प्रभुदयाल कठेरिया का जन्मदिन, भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने काटा केक, अपने कार्यकाल के कार्यों की दी जानकारी।
प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता ने यूपी में भी विद्यालय खोले जाने की सरकार से की अपील। बेहतर शिक्षा के लिए ऑफलाइन क्लासेस का शुरू करना बताया जरूरी। स्वास्थ्य विभाग तथा एसडीएम फतेहाबाद ने अवैध क्लिनिक पर मारा छापा। क्लिनिक पर बिना डॉक्टरों के हो रही थी डिलीवरी। एसडीएम फतेहाबाद ने क्लिनिक को किया सील। ट्रैफिक पुलिस को फिरोजाबाद के एसएसपी द्वारा पढ़ाया गया पाठ। ट्रैफिक की समस्या के निस्तारण के लिए सभी चौराहों से हटाया अतिक्रमण। जनपद फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के द्वारा सिरसागंज के पूर्व विधायक हरिओम यादव के खिलाफ किया पुतला दहन। मुस्लिम विरोधी होने का लगाया आरोप। मथुरा के जिला अस्पताल पहुंचे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। कोरोना की तीसरी लहर के लिए किए जा रहे इंतजामों का किया निरीक्षण। भर्ती मरीजों का जाना हाल। फिरोजाबाद में सपा और पुलिस के बीच झड़प। प्रशासन पर लगाया मिलीभगत का आरोप। फिरोजाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हार के बाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी सपा का सुपड़ा साफ। फिरोजाबाद में एक भी ब्लॉक प्रमुख नहीं बना पाई सपा। ब्लॉक बरौली अहीर पर हो रहा ब्लॉक प्रमुख का मतदान में ब्लॉक को पुलिस ने छावनी बना दिया। साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखने को मिले। आगरा में 14 ब्लॉकों पर पहले से ही ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इसके साथ ही 130 सदस्य मतदान करेंगे। वहीं बीजेपी से उत्तम सिंह और समाजवादी पार्टी से सरिता यादव मैदान में हैं। हमारे हमने कहा कि अगर आपको कहीं इसकी लगे ये दोनों मैसेज हमारे पास है उनको बता दीजिए। आपस में 130 लोगों को वोट देना है। कहीं कुछ हो हमें आपत्ति दर्ज करा दें। मैसेज एआरओ को बिल्कुल क्लियर है। नियम कानून का उसको पालन करना है चाहे चुनाव के समय या मतदान के समय। मतदान के समय विशेष रूप से अगर किसी भी एक वोट में आपत्ति करनी है आपत्ति करें और उसकी सुनवाई जाएगी। उनको तो नियम कानून बताया जाएगा ताकि जो एक शासन का आयोग का होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन वह जरूर हो। इस बात का हमें यहाँ मैसेज देना है। इसी बात में एक बार किया गया था। प्रोसेस काफ़ी पर्याप्त मात्रा में लगी हुई है। अभी तक सिर्फ 3 लोगों ने वोट दिया है। उम्मीद है कि जल्दी आती लोगों तक लगेगा। हमारा देखिए हमारे एक ही ब्लॉक में तो आज के चुनाव बाकी नामांकन प्रोसेस हो गया और नाम वापसी हो गया। अभी जीत भी घोषित हो चुका है निर्विरोध हो चुका है। 15 में 14 का निर्विरोध हो चुके वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। केवल एक ही जगह वो चुनाव हो रही है। चुनाव में जो चुनाव प्रोसेस शांतिपूर्वक करना है पुलिस शांतिपूर्वक करने के लिए तैयार है। प्लस पर्याप्त फोर्स लगी है हमारा। अगर सर कोई अराजक तत्व इस तरीके का जिस तरीके से पहले ऐसे करेंगे तो उनकी सख्ती से कार्य होगी। पहले भी यहाँ पे जनपद में जो भी पहले चुनाव हुआ था उस पर हम लोग ने जो प्रपाती को मतलब सख्ती से कार्रवाई की सबको पता है। यहाँ पे किसी के हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। इस तरह की चीज से अभी तक कोई इनपुट भी नहीं है। अब शांतिपूर्वक चुनाव होगी कोई दिक्कत नहीं। जनपद आगरा के थाना खंदौली पुलिस टीम द्वारा कैंटर में भरी अवैध शराब सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 228 पेटी अवैध शराब सहित अन्य सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि वे इस शराब को हरियाणा से लेकर आए थे और इसे यूपी की बताकर बेचने के लिए खड़े थे। कुछ लोगों को और आने जाने वाले लोगों को शराब बेची गई है। जो शराब का ट्रांसपोर्टेशन है शराब का ट्रांसपोर्टेशन इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो बताया कि फतेहाबाद हरियाणा से ये शराब इन लोगों ने उठाया था और इसको बिहार में पटना के आसपास कहीं इनको डिलीवर करने का बताया गया था। वहाँ जब ये पटना पहुँचते तो फिर वहाँ से जिस मालिक ने इनको शराब उपलब्ध कराया था वो बताता कि कहाँ डिलीवर करना है। अनुमानित कीमत जो अनुमानित कीमत हमने अभी आंकड़ा लगाया वो 15 से 20 लाख इसकी कीमत है। जो बता रहे हैं कि 600 रुपये के आसपास इसका जो पूरी फुल बॉटल है 300 रुपये इसकी हाफ और छोटा जो क्वार्टर आता है वो 150 रुपये के आसपास। इस रेट से हमने जो उसका कीमत लगाया 15 से 20 लाख है। जिला चिकित्सालय कर्मचारी संघ के द्वारा शनिवार को समस्त कर्मचारी और अधिकारियों ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में पूरे सभी समंगरों के ट्रांसफर के विरोध में चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ उत्तर प्रदेश द्वारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। इसमें इमरजेंसी सेवाएं सुचारू ढंग से चलती रही। कर्मचारी संघ के महामंत्री हरिओम यादव ने कहा
कि सरकार डॉक्टरों व कर्मचारियों के द्वारा किए गए काम का इनाम के तौर पर ट्रांसफर दे रहे हैं, जबकि इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोक हित में कार्य किया है। जिला चिकित्सालय कर्मचारी संघ के द्वारा शनिवार को समस्त कर्मचारी और अधिकारियों ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में पूरे सभी संवंगनों के ट्रांसफर के विरोध में चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ उत्तर प्रदेश द्वारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। इसमें इमरजेंसी सेवाएं सुचारू ढंग से चलती रही। प्रभारी निरीक्षक CP सेंगर का कहना है कि सभी संभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा कोविड महामारी में अपनी व अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर कार्य किया है। हमने वह समय भी देखा था जब शहर में काफी ऑक्सीजन की कमी थी, 900 से ज्यादा कोरोना के केस आते थे, तब जान हथेली पर रखकर सभी डॉक्टर कर्मचारियों ने पूरी मेहनत के साथ काम किया। लेकिन अब विभाग द्वारा कर्मचारियों का ट्रांसफर दूसरी जगह किया जा रहा है। शासन की जो ये नीति है कि अभी स्थानांतरण जो पॉलिसी आई है उसके तहत 15 जुलाई तक सभी के ट्रांसफर करने का अंदेशा है, तो हम जो स्वास्थ्य विभाग की सारी एसोसिएशन है उसमें हमारी PMS एसोसिएशन भी इस सभी एसोसिएशन के साथ है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि देखिए कोविड काल चल रहा है, दूसरी लहर में भी हमारे जो चिकित्सा स्वास्थ्य के सारे लोग हैं उन्होंने जी तोड़ कोशिश करके बहुत लोगों की जानें बचाई, और अब ये अंदेशा है कि तीसरी लहर की संभावना जो अक्टूबर के आसपास व्यक्त की जा रही है उसमें जो खासतौर से बच्चों को संक्रमित करेगी, तो अगर ऐसे समय में स्वास्थ्य विभाग के लोग जो पूरा सिस्टम अपनाए हुए हैं और जिस हिसाब से सेवा कर रहे हैं, इस समय सारी तैयारियां कोरोना को लेकर चल रही हैं, अगर ऐसे समय में किसी को डिस्टर्ब किया जाता है तो मेरा अपना मानना है कि कहीं भी अगर नई जगह कोई स्वास्थ्य विभाग का आदमी जाता है तो उसे वहाँ एडजस्ट होने में समय लगता है, वहाँ की चीज़ें समझने में समय लगता है, तो इस समय इस तरह का स्थानांतरण ना किया जाए, हमारी शासन से यही अपेक्षा है और मांग है। शासन प्रशासन के द्वारा जो स्थानांतरण नीति अपनाई जा रही है, मैं चिकित्सालय की तरफ से आप सबकी तरफ से उसका घोर विरोध करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध भी करता हूँ कि इस नीति को तुरंत रोका जाए, क्योंकि कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के जितने कर्मचारी अधिकारी चिकित्सक संवर्ग वगैरह सभी एकजुट होकर तन मन धन से लगे हुए हैं, जबकि उसमें बहुत से हमारे कर्मचारी अधिकारी पॉजिटिव हुए, जान उनकी भी चली गई, परिवार उनके तबाह हुए, ऐसे में ये स्थानांतरण नीति चिकित्सालय के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी को स्थानांतरण कोई न्यायोचित नहीं है। अतः मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि इसका तुरंत संज्ञान लें और इस स्थानांतरण नीति को अविलंब निरस्त करने की कृपा करें, धन्यवाद। ऐसे में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका है, इस समय कर्मचारियों का ट्रांसफर होने से बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से हम हर रोज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। इन 2 घंटों में इमरजेंसी सुविधाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। इसके साथ ही कर्मचारी संघ के महामंत्री हरिओम यादव ने कहा कि सरकार डॉक्टरों व कर्मचारियों के द्वारा किए गए काम का इनाम के तौर पर ट्रांसफर दे रहे हैं, जबकि इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोक हित में कार्य किया। ट्रांसफर के बाद से उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट होने में बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। सरकार से अपील है कि तुरंत स्थानांतरण नीति को निरस्त किया जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। लंबे समय से बंद चल रहे विद्यालयों पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल के निर्देशक डॉक्टर सुशील गुप्ता ने UP में भी विद्यालयों को खोले जाने की सरकार से अपील की है। उनका कहना है कि आगरा में कोरोना की स्थिति अब सामान्य होती दिख रही है, जिसके फलस्वरूप काफी समय से बंद चल रहे स्कूलों को फिर से शुरू करना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपने पढ़ाई की ओर ध्यान दे सके, क्योंकि ऑनलाइन के मुकाबले ऑफलाइन में सभी बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं और बेहतर तरीके से शिक्षा की ओर ध्यान देते हैं। जैसा कि हम लोगों की एसोसिएशन ने दिनेश शर्मा जी से रिक्वेस्ट करी है कि 19 तारीख से 9, 10, 11, 12 खोल दें, और अगर स्थिति सामान्य रहती है तो फिर 1 अगस्त से जो है 6 से लेकर 8 तक खोल दें, और फिर 16 अगस्त से जो है वो 1st to 5th तक की क्लासेस खोल दें। बच्चे घर पर परेशान हो गए हैं, बच्चे कुंठाग्रस्त हो रहे हैं, बच्चों में एक जो कई डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इतना ज़्यादा
ऑनलाइन पढ़ाने पे उनकी आँखों पे भी असर हो रहा है, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उनकी जो एक्टिविटीज़ उनके होनी चाहिए वो एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही है। तो मेरा अपना सोच है कि जैसा हम लोगों को पेरेंट्स से फीडबैक मिल रहा है कि वो लोग तैयार हैं चरणबद्ध तरीके से खोलने में, तो मेरा प्रशासन से ये अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्कूल खोलें और ख़ास करके जो सीनियर क्लासेस पहले शुरू करें जिससे कि हम लोग। शनिवार को केनरा बैंक की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें वन टाइम सेटलमेंट का भी आयोजन किया गया। लोक अदालत का आयोजन 15 जिलों में किया गया है। कोरोना की वजह से जिन लोगों को लोन चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको हर संभव मदद का प्रयास किया गया। वहीं केनरा बैंक के जनरल मैनेजर एस वासुदेव शर्मा ने चल रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। ये कोरोना काल के हिसाब से पहले बार ये नेशनल लोक अदालत जो इधर कर रहे हैं हमारा कैनरा बैंक के हिसाब से हमारा 15 जिला आगरा सर्कल के अंदर सभी जगह में हमारा लोक अदालत चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, हमारा बहुत ज़्यादा योजनाएँ हैं स्कीम्स है, उसमें से बहुत कुछ OTS में हम कम करके दे देते हैं, स्पेशली MSME एग्रीकल्चरल और रिटेल जो लोन ले हैं उसको नहीं भर पाते हैं उसके लिए बहुत योजनाएं हैं। हमारा 56,000 हमने नोटिसेस भेजे हैं, पूरा 15 जिला में भी हमारा जो लोक अदालत आज चल रहा है। तो ये कोरोना काल में भी हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग वो सब पालन करते हुए हम इधर करते हैं, तो सुबह से आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ भी आता है, तो हमारा OTS स्कीम की सब लोग फ़ायदा लेते हैं। ये वन टाइम सेटलमेंट में एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा हमने उसमें अमाउंट कम करके देते हैं और उसका मुक्ति से वो लोन क्लोज कर सकते हैं। वो एक्चुअली ये वन टाइम सेटलमेंट जो है हमारा जो लोन ले चुका है उसको कोरोना काल में उसको भी बहुत कुछ नुकसान हो गया है, सो लॉकडाउन की हिसाब से भी उसका इनकम और उसका अर्निंग कम हो गया है, सो इसलिए हमने प्रिंसिपल से भी ज़्यादा से अमाउंट कम कर सकता है। वो केस टू केस देख के हम उसका बाकी लोन किसके लिए लिए हैं वो उसका अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है वो देख के हमारा उसके हिसाब से स्कीम के अनुसार हम दे सकते हैं। फतेहाबाद के बाईपास रोड पर अवैध रूप से संचालित एक क्लिनिक को शनिवार को SDM स्वास्थ्य विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्यवाही कर सील कर दिया। कार्यवाही के समय उक्त क्लिनिक पर कोई भी प्रशिक्षित चिकित्सक नहीं मिला और वहां पर अवैध रूप से डिलीवरी होती पाई गई। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट कराया है और हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ थाना फतेहाबाद में लिखित तहरीर दी है। फतेहाबाद के बाईपास रोड पर अवैध रूप से संचालित एक क्लिनिक को शनिवार को SDM स्वास्थ्य विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्यवाही कर सील कर दिया। कार्यवाही के समय उक्त क्लिनिक पर कोई भी प्रशिक्षक चिकित्सक नहीं मिला और वहां पर अवैध रूप से डिलीवरी होती पाई गई। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट कराया और हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ थाना फतेहाबाद में लिखित तहरीर दी गई। स्वास्थ्य विभाग को शनिवार को सूचना मिली कि फतेहाबाद के बाईपास रोड स्थित श्रीराम क्लिनिक और मेडिकेयर सेंटर पर अवैध रूप से डिलीवरी की जा रही है, जिस पर SDM राजेश कुमार जायसवाल, अधीक्षक डॉक्टर AK सिंह एवं वरिष्ठ उप निरीक्षक फतेहाबाद राकेश कुमार सागर की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई की। फतेहाबाद में अवैध रूप से डिलीवरी कराई जा रही है और लोगों की इलाज कराया जा रहे हैं बिना डॉक्टर के। इसकी सूचना पर डॉक्टर साहब के साथ पुलिस के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं मिले और यहाँ पर कई मरीज भर्ती पाए गए जिनकी डिलीवरी भी कराई गई। प्रथम दृष्टया यह वैधानिक रूप से संचालित हुआ पाया गया है, इसके कारण इसको सील कराया जा रहा है और यहाँ के मरीजों को GST में शिफ्ट करा दिया गया है, वहाँ उनका नियमित रूप से उपचार करा के। यहाँ पे जो भी स्टाफ मिला क्या कुछ एजुकेटेड थे या वैसे ही सब? यहाँ कोई स्टाफ इधर नहीं मिला, यहाँ न कोई डॉक्टर मिले और न कोई स्टाफ मिले। अच्छा, किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है? नहीं, अभी मैंने अभी तो कोई डॉक्टर मिले ही नहीं, डॉक्टर साहब कोई था नहीं, उनका स्टाफ था, वो लोग को उनसे पूछताछ की जा रही है। ठीक है। इस दौरान अस्पताल पर कोई भी प्रशिक्षित चिकित्सक नहीं मिला। अस्पताल में उस समय डिलीवरी होती पाई गई और हड्डी रोग के भी मरीज पाए गए। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी मरीजों को फतेहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट करा दिया। SDM फतेहाबाद राजेश कुमार जायसवाल के मुताबिक अवैध रूप से अस्पताल संचालित था जिसकी लगातार सूचनाएं मिल रही थी। शनिवार को इस पर छापेमार कार्रवाई की गई, यहाँ पर कोई भी प्रशिक्षित चिकित्सक नहीं मिला।
मौके पर मौजूद स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। फिरोजाबाद से भाजपा के सांसद रहे प्रभुदयाल कठेरिया का जन्मदिन उनके आवास पर धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपाइयों के साथ उनके समर्थकों ने केक काटने के साथ प्रभुदयाल कठेरिया को उनके जन्मदिन की बधाई दी, तो वहीं प्रभुदयाल कठेरिया ने जनता के सुख दुख में साथ देने की बात करते हुए अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। आज के दिन सिर्फ मुझे जो कहना है, हे परमात्मा परमेश्वर पार ब्रह्म महादेव और माता शक्ति में सारा संसार समाया हुआ, तीनों लोक आप ही में समाये हुए हैं। ये बुरा कालखंड जो आया है, किसी तरीके से प्रभु संसार में तुम्हारे इतने अनुयायी हैं, इतने भक्त हैं, उनकी रक्षा करें। और आज के दिन जिन कार्यकर्ताओं ने मेरे ऊपर प्यार उमेड़ा है, ये प्यार सदा भविष्य में भी इसी प्रकार जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके चरणों का आशीर्वाद, हमारे सफर हैं, हम सफर हैं जो हमारे साथी हैं, उनको अपने दिल से मैं शुभकामना देता हूं कि आगे तरक्की दिन पर दिन तरक्की करें। और जो दोनों लोकसभा यानी आगरा और फिरोजाबाद दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने काम किया है, तमाम कार्यकर्ताओं की दिल की धड़कन हूँ मैं, जनता मेरी जानती है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में 3 बार मुझे चुन के भेजा, उस वक्त भेजा जब आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि क्या पोजीशन थी। मेरे मित्रों, ऐसी तमाम अपनी प्यारी जनता को, बुजुर्गों को चरण नमन करता हूँ, सब साथियों को जितना प्यार मुझे अभी दिया है, पहले भी दिया, पूर्व में दिया और भविष्य में भी ये प्यार आपका मुझे प्राप्त होता रहे, मैं इसी प्यार की खातिर निश्चित रूप से जीवित रहूँगा। और वक्त अगर आया, जो कहा वो किया, और कह देंगे वो करके दिखाएंगे, अफवाह नहीं, जो करके दिखाया है वो आपको पता है। ये रेलवे लाइन जो गई है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ये प्रभुदयाल कठेरिया की देन है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे स्मॉलेस्ट स्केल इंडस्ट्री थी जो छोटी, सब बर्बाद हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश किया था तो उसको अटल जी के पैरों में बैठ के कहा मैंने कि अटल जी यू आर प्राइम मिनिस्टर और बटेश्वर में आप नगे खेले हैं, आप मेरे ऊपर मेरी जनता के ऊपर इतना अपना प्यार उमेड़ दें कि जो बर्बाद हो रही है इंडस्ट्री ताजमहल की वजह से, ये बर्बाद ना हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गुजरात से पाइपलाइन लगा के हमने गैस की व्यवस्था फिरोजाबाद को, आगरा को, चंबल डाल परियोजना की व्यवस्था हमने की, और जो मैंने कहा वो किया, करेंगे कहेंगे वो करके दिखाएंगे। फिरोजाबाद के SSP अशोक कुमार द्वारा ट्रैफिक पुलिस को जनसहयोगी पुलिस के रूप में कार्य करने हेतु उनके कर्तव्यों से अवगत कराते हुए जनता से मधुर व्यवहार करने और उनकी हर संभव मदद किए जाने के संबंध में जागरूक किया गया। SSP अशोक कुमार ने बताया कि जनपद में ट्रैफिक की समस्या के निस्तारण के लिए सभी चौराहों से अतिक्रमण हटाने, ऑटो के मार्ग कलर तय किए जाने की व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे आम नागरिक को ये जानकारी हो सके कि किस मार्ग पर किस कलर का ऑटो जाता है। शनिवार को ट्रैफिक पुलिस को फिरोजाबाद के SSP द्वारा पाठ पढ़ाया गया, जिसमें फिरोजाबाद के SSP अशोक कुमार द्वारा ट्रैफिक पुलिस को जनसहयोगी पुलिस के रूप में कार्य करने हेतु उनके कर्तव्यों से अवगत कराते हुए जनता से मधुर व्यवहार करने और उनकी हर संभव मदद किए जाने के संबंध में जागरूक किया गया। साथ ही SSP ने बताया कि जनपद में ट्रैफिक की समस्या के निस्तारण हेतु सभी चौराहों से अतिक्रमण हटाने, ऑटो के मार्ग कलर तय किए जाने की व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे आम नागरिक को ये जानकारी हो सके कि किस मार्ग पर किस कलर का ऑटो जाता है। इस व्यवस्था से ऑटो एक दूसरे के मार्ग पर नहीं जा सकेंगे, जिससे यातायात की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। ट्रैफिक पुलिस को एक जन सहयोगी पुलिस के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास है। ट्रैफिक की सिपाही कोई इसलिए नहीं है कि आप रुको आप जाओ, वो हर काम के लिए है। अगर एक गिलास पानी किसी को चाहिए तो पानी भी यहाँ मिल जाएगा उसको, कोई उसको दिक्कत है रास्ता पूछना है तो भी बताएगा, कोई पुलिस की परेशानी है तो ट्रैफिक वाला हमारा बगल में चौकी है, वो थाने को बुला सकता है, CO साहब को इन्फॉर्म कर सकता है, मुझे बुला सकता है, तो उसके लिए भी वो होगा। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव जॉब उसका होगा। और सबसे बड़ा मेरा थ्रस्ट जो है उस बात पे है कि उसका सदव्यवहार हो, यहाँ से गुजरने वाला जो भी आदमी हो यहाँ का लोकल, वो जानता रहे कि वहाँ एक ट्रैफिक का सिपाही खड़ा होगा, कोई महिला, कोई बच्चा, कोई लड़की, कोई अध्यापिका कहीं जा रही हो, कर्मचारी जा रही हो, उसे ये भरोसा हो कि कैसे भी अगर मैं बच के वहाँ पहुँच गई तो वहाँ एक बंदा मिलेगा, वो मेरी सपोर्ट कर देगा। तो हर तरह के सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर हमारे अपने सिपाही को ट्रेंड कर रहे हैं कि वो एक जन सहयोगी के रूप में उसे विकसित कर रहे हैं। ट्रैफिक का तो रहेगा ही, तो बहुत सारी चीज़ें अभी करनी है।
इसके अतिरिक्त सुरक्षा की दृष्टि से सभी ऑटो ड्राइवर को यूनिफॉर्म व नेम प्लेट और मोबाइल नंबर के पहनने की अनिवार्यता लागू करते हुए ऑटो में सवारियों की निर्धारित संख्या और दाहिनी तरफ से जाली लगाई जाए और ड्राइवर के अगल बगल लगी सीटें हटाई जाएंगी। साथ ही ऑटो का नंबर ऑटो के अंदर भी अंकित कराया जाएगा ताकि बैठने वाली सवारी को आराम से ये पता चल सके कि हम किस नंबर के ऑटो में बैठे हैं, जिससे किसी भी समस्या की स्थिति में आम नागरिक और हमारी बहन बेटियों को ऑटो का नंबर, ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर नोट किया जा सके। इस व्यवस्था के लागू होने से आम जनता में सुरक्षा की भावना विकसित होगी और सफर करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। उन्नति ग्रुप ऑफ कॉलेज एडमिशंस ओपन, अप्रॉक्स 95% प्लेसमेंट, बस फैसिलिटी फ्री, फैकल्टी फ्रॉम IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered B-Pharma, D-Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA, Unnati Management College, Mathura. Polytechnic, Unnati Management College and Technology, Farah Mathura. B.Ed, Agra Education College, Farah Mathura. B.Pharma, Unnati Pharmacy College, Farah Mathura. City Office, F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile Number, 9973349310, 0562-2527-017. आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफसिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफसिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामायिक विषयों पर टीकी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया,